चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। और ये जो हमारा है क्लास, ये है हमारा क्लास नंबर 15। क्लास 15, तो क्वेश्चन नंबर 27 से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है। लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ नेक्स्ट हायर होमोलोगस ऑफ एच सी ओ ओ एच। तो सबसे पहले हम आंसर करेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो होमोलोगस सीरीज होता है लिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये होता है होमोलोगस सीरीज, लिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का जो नंबर है ये बढ़ता जाएगा। सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच एज लॉन्ग एज यू प्रोसीड्स द नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन इज इंक्रीज्ड बाय वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। जैसे कि एल्केन, ये एक होमोलोगस सीरीज है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, तो सबसे पहले आएगा मीथेन, उसके बाद C2H6 इथेन, उसके बाद C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाएंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाएंगे। दिस इज होमोलोगस सीरीज। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द नेम, नहीं, लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स। अब होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टर हमसे पूछा है, होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे पूछा है। तो पहला कैरेक्टर है क्या, सेम फंक्शनल ग्रुप। जो भी होमोलोगस सीरीज में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है, ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ नेक्स्ट हायर होमोलोगस सीरीज ऑफ एच सी ओ ओ एच। आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है एच सी ओ ओ एच। अब इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में कौन आएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी पे कहा, यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन आएगा इन दोनों के बीच में, अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन आएगा इसमें क्या होगा, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका CH3COOH। इसका जो आईपैक नेम होता है, इसका जो आईपैक नेम है दैट इज मिथानोइक एसिड, और इसका जो आईपैक IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और इसका जो आईपैक नेम होता है दैट इज इथानोइक एसिड, और इसको हम विनेगर भी कहते हैं, विनेगर भी कहा जाता है, क्लियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। तो यहां पे और एक क्वेश्चन दिया है, इसको भी कर लेते हैं। गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटायन नॉर C4 नेगेटिव एनायन बट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स।
ऑल्सो स्टेट द रीजन टू एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो एक बढ़िया इंपॉर्टेंट सा सवाल है, चलिए इसको करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा है, कार्बन है, दिस इज कार्बन, ये इसका के सेल हो गया और ये कार्बन का एल सेल हो गया, ठीक है। तो के सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल सेल में चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये के सेल एंड ये एल सेल है, तो कार्बन का जो वैलेंस सेल होगा, जो वैलेंस सेल होगा वो हो जाएगा एल, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे चार। आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन क्या करता है, कार्बन ये और ये टोटल जो चार इलेक्ट्रॉन है ये किसी को डोनेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही हेवी एनर्जी चाहिए, कि दो ये चार इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है ये दो और ये दो चार इलेक्ट्रॉन को निकालना। इसीलिए जो कार्बन होता है ये डोनेट नहीं कर पाता, तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा तो C4 पॉजिटिव नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने और एक यहाँ पे कार्बन बना लिया, कार्बन के शेल में इसके दो इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में चार इलेक्ट्रॉन है। तो हमने तो ऊपर देखा कि ये चार किसी को डोनेट नहीं कर पाता और ये चार इलेक्ट्रॉन रिसीव भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, थोड़ा बात को ध्यान से समझो। जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। इसका मतलब क्या है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन भी कार्बन के पास 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल जो प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन जो होता है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो 6 प्रोटॉन क्या करते हैं, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए हैं। आपका 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है। अगर कार्बन बाहर से और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, तो 6 प्रोटॉन को अभी 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, अगर यहाँ पे 6 लड़के हैं और यहाँ पे 6 लड़के हैं, अगर दोनों के बीच लड़ाई होगी तो लड़ाई तो बराबर का हो जाएगा। अगर 6 लड़के यहाँ पे हैं और ये साइड में 10 लड़के हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कौन जीतेगा, तो जाहिर सी बात है ये जीत जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर जो केस है बिल्कुल ही अनस्टेबल है, ठीक है। सो कार्बन के केस में होता कुछ ऐसा है। और उसमें पूछा है आपसे, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है।
तो जिसके चलते यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड के केस में ये बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत वीक होती है, बॉइलिंग पॉइंट वीक होती है, डेंसिटी भी ये बहुत ही कम रहता है। तो जिसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, तो जिसके चलते ये इट कैन ब्रेक इजीली, बहुत ही आसानी से ये टूट जाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करेगा, तो करंट कैन नॉट पास, तो करंट जो है ये बिल्कुल पास ही नहीं करेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 28 को करते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से। नेम द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17, वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो जाहिर सी बात है वो है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। To which period does it belong? Periodic table में ये कौन से period में आएगा? Simple, इसका electronic configuration निकाल दो, 2, 8, 7 KLM, तो ये M period में आएगा, मतलब period number 3, ये first period, second period, ये third period, simple, तो third period में आएगा। To which group does it belong? ये कौन से group में रहेगा? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 287, आउटर सेल कौन सा है, एम है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, क्या 7 दो से ज़्यादा है, डेफिनेटली है, दो से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल 10 ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा हमें, 17 मिलेगा, तो ये क्या है, ये ग्रुप नंबर है, सिंपल, क्लियर। उसके बाद राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने पहले ही लिख रखा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29। ए वैरिएटेड लीफ विथ ग्रीन एंड येलो पैचेस इज यूज्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपके पास एक मल्टीपल कलर का लीफ है जिसमें ग्रीन और येलो कलर के पैचेस हैं, और इसको आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आपको प्रूव करना है क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए आपको क्लोरोफिल चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट आपको प्रूव करना है। बिफोर द एक्सपेरिमेंट द ग्रीन पोर्शन ए एंड द पेल येलो पोर्शन बी आर ऑब्जर्व्ड। एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपने ग्रीन पोर्शन को देखा और येलो पोर्शन को भी ध्यान से देखा, व्हाट कलर बी द कलर ऑफ ए जस्ट आफ्टर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। जो ए का कलर आपने देखा ग्रीन था, इसका कलर क्या चेंज होगा टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद। ऑल्सो ऑल्सो राइट द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस एंड मार्क। चलिए फिर इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये है आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा लीफ है, ठीक है, ये लीफ पूरी की पूरी ग्रीन कलर का है लेकिन यहाँ पे येलो कलर के कुछ पैचेस हैं, ये येलो कलर का एक पैच है और यहाँ पर भी येलो कलर का एक पैच है, और बाकी बाकी के ये सारे प्लेसेस
ये सब ग्रीन है, ठीक है, ये सब ग्रीन है, ये सब ग्रीन। जब हम इसको देखेंगे तो पहली बात हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए, ये ग्रीन कलर है मतलब यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल है, और ये येलो कलर है मतलब यहाँ पे नो क्लोरोफिल, कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। अब इसको आप दिन भर धूप में रखेंगे और जैसे आप स्टार्च टेस्ट करोगे तो यहाँ पर क्लोरोफिल है मतलब यहाँ पर आपका ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा, स्टार्च ग्लूकोज या फिर स्टार्च बनेगा। जैसे ही आप आयोडीन टेस्ट करोगे, जैसे ही आप आयोडीन टेस्ट करोगे, ये जो स्टार्च है जैसे ही आयोडीन के कांटेक्ट में आएगा इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, ये जैसा का वैसा येलो का येलो रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोरोफिल नहीं है, यहाँ पर स्टार्च नहीं बना, यहाँ पर स्टार्च और आयोडीन के बीच कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और हमसे केमिकल रिएक्शन भी पूछा था, ये केमिकल रिएक्शन को बताइए, तो चलिए कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है उसे भी देख लेते हैं हम। 6CO2 प्लस 6H2O, उसके बाद ऊपर रहेगा सनलाइट और नीचे रहेगा आपका क्लोरोफिल, और हमें यहाँ पे मिलेगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 12H2O, तो ये हमें मिलता है। सो ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा रॉन्ग है, 6CO2 प्लस 6H2O आपको देगा सन क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 ये आपको फाइनल मिलेगा, आपको फाइनली आपको यही मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो कौन सा प्लांट का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो मेंडल ने कौन सा प्लांट का इस्तेमाल किया, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेंड बाय मेंडल, रिजल्ट क्या मिले। प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, मेंडल को कौन कौन से ऑफस्प्रिंग मिले इन F1 एंड F2 जनरेशन व्हेन ही क्रॉस्ड टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स, राइट द रेशियो ऑब्टेंड इन F2 जनरेशन। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ध्यान से हम इसे समझेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 30। तो मेंडल ने पी प्लांट का इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज पाइजम सटाइवम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और मेंडल ने क्या किया था, एक टॉल प्लांट लिया था, मान लीजिए ये एक टॉल प्लांट है, और एक शॉर्ट प्लांट लिया था, ये एक शॉर्ट प्लांट है, ठीक है। टॉल प्लांट की जो बॉडी होगी ये तो सेल से बनी है ना, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये तो बिल्कुल टॉल प्लांट है तो इसकी बॉडी सेल से बनी होगी, और हर एक सेल में कैपिटल टी के जीन्स होंगे, और ये शॉर्ट प्लांट है तो इसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी के जीन्स होंगे, या फिर क्रोमोजोम भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ये जब गैमेट बनाएंगे तो यहाँ पे गैमेट में क्रोमोजोम आधा हो जाता है, और ये भी स्मॉल टी और स्मॉल टी गैमेट बनाएंगे, तो पहले क्या आएगा, F1 जनरेशन आएगा, F1, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा F1 जनरेशन आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा F1 जनरेशन आएगा, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, यहां पे
क्रॉस पॉलिनेशन होगा F1 में। अगर ये गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अगर इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर ये इसके साथ करेगा तो बनाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये रहे आपके सारे ऑफस्प्रिंग्स F1 जनरेशन के, और आप यहाँ पे देख सकते हो सारे ऑफस्प्रिंग में क्या है, कैपिटल टी ही आपका, जो कैपिटल टी जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट रेट, ये प्रेजेंट है। तो हमारे सारे प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, टॉल प्लांट्स हो जाएंगे, सारे प्लांट्स टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, F2 जनरेशन सेकेंड फिलियल, F2 मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन। ठीक है, तो ये मैंने एक टॉल प्लांट लिया और इसके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी के क्रोमोजोम्स हैं। अब ये क्या करेगा, गैमेट बनाएगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और यहाँ पे और एक पेयर गैमेट बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सेकेंड फिलियल में क्या होता है, यहाँ पर सेल पॉलिनेशन होती है, सेल पॉलिनेशन। ये दोनों अगर फर्टिलाइज करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, या फिर ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती से इसके साथ कर दिया, और एक पेज में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यही वो प्लांट है, हम यहाँ पे कर रहे हैं सेकेंड फिलियल यानी कि F2, और यहाँ पे सेल पॉलिनेशन होता है। तो ये प्लांट में जो क्रोमोजोम होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी होंगे, तो ये गैमेट बनाएंगे ना, तो गैमेट में तो क्रोमोजोम आधा हो जाता है कैपिटल एंड स्मॉल, और यहाँ पे एक पेयर कैपिटल और स्मॉल। अगर यहाँ पे ये गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा कैपिटल कैपिटल देगा, या फिर इसके साथ करेगा कैपिटल और स्मॉल देगा। अगर ये दूसरा गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा कैपिटल और स्मॉल देगा, या फिर इसके साथ करेगा तो स्मॉल और स्मॉल देगा। तो आप यहीं पे देखो, यहाँ पे दोनों कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल और यहाँ पे कैपिटल, मतलब मेरे तीन प्लांट्स टॉल हो जाएंगे, और यहाँ पे शॉर्ट, ये दोनों दोनों कैरेक्टर जो हैं शॉर्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लांट होगा मेरा शॉर्ट हो जाएगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, 3 tall is to 1 short। अगर जीनोटाइपिक रेशियो मैं लिखूँ, जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल कैपिटल इज टू कैपिटल स्मॉल इज टू स्मॉल स्मॉल, तो ये रेशियो हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए दोनों कैपिटल एक है, एक इज टू स्मॉल कैपिटल दो हैं, यहाँ पे 2 is to स्मॉल स्मॉल कितना है, एक है 1। तो ये हो गया मेरा फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे हम आते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है ड्रॉ रे डायग्राम, हमें यहाँ पे रे डायग्राम बनाना है टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, और एक कॉन्वेक्स मिरर हमको दिया है। चलिए वन बाय वन हम करते हैं, ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 31, बड़े ही प्यार से क्वेश्चन नंबर 31, तो आपको दिया है एक कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर का मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, अंदर वाला हिस्सा रफ होता है, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा इसे आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, तो आपसे पूछा है क्या, पहले दिया है आपको लाइट स्ट्राइक्स एट इट्स पोल मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट है वो यहाँ पोल पे गिरी, ऐसे आके पोल पे स्ट्राइक करेगी लाइट, ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा। तो लाइट कौन से डिरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी? सो देखो, जहाँ लाइट आपकी मिरर पे हिट कर रही है वहीं से हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और ये लाइन कहलाएगा नॉर्मल कहलाएगा। इसको अगर हम आगे की तरफ भी एक्सटेंड कर लेंगे तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा है, इसको हमने मेजर किया थीटा। हम जानते हैं कि एंगल ऑफ, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे जाएगा उसी एंगल, यहाँ पे आप उतना ही एंगल बना, आपको यहाँ पे जितना एंगल आप दिख रहे हो ये नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में उतना ही एंगल यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा इसका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या दिया था, लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। अब जो लाइट रे है ये प्रिंसिपल फोकस पे गिर रही है तो क्या होगा, मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट रे ऐसे फोकस के डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे ये फोकस के डायरेक्शन में लाइट जो है ऐसे आ रही है। तो हमें पता है कि लाइट जब फोकस के डायरेक्शन में जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है तो लाइट रे कैसे वापस आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे ही इसी डायरेक्शन में आएगी। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, सिंपल। नेक्स्ट, लाइट इज पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट क्या कर रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और जो लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी वो रिफ्लेक्ट होगी कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फोकस, फोकस के डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फोकस, इसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट करेगी, डायरेक्शन ऑफ फोकस, फोकस के डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ये इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वापस आ जाते हैं क्योंकि कुछ लोग दिमाग खराब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हम करेंगे। आपको तीन रजिस्टर दिया है, 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम, ठीक है, ये सीरीज में लगा है और एक 30 वोल्ट का बैटरी भी लगा है और हमें एमीटर और वोल्ट मीटर भी लगाना होगा। और ये पूछा है ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस प्रॉपरली। तो हमें तीन रजिस्टर लगाना होगा, 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम का, और उसके साथ साथ एक एमीटर और वोल्ट मीटर भी लगाएंगे और एक बैटरी 30 वोल्ट का, ठीक है, इसको लगाएंगे और उसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन है उसके बाद हम करेंगे। तो पहले लगा देते हैं
सर्किट को। तो यहां पे मेरा 30 वोल्ट का बैटरी लग गया, यहां पर स्विच लग गए जो 30 वोल्ट दे रहे हैं, लगे 30 वोल्ट की बैटरी करंट देने के लिए। ठीक है, तो यहां पर अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर एक एमीटर लग गए जो करंट का क्वांटिटी मेजर करने के करेंगे, और यहां पे एक रजिस्टर मैंने लगाया, यहां पे और एक रजिस्टर, यहां पे और एक रजिस्टर मैंने लगाया। एक रजिस्टर है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, ये 5 ओम का रजिस्टर, ये 10 ओम का रजिस्टर और ये 15 ओम का रजिस्टर। और जो वोल्ट मीटर है बच्चों, ये हमको पता है कि जो वोल्ट मीटर लगता है ये हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगता है, तो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि 10 ओम का जो रजिस्टर है उसके उसके पास उसके बोथ एंड में कितना वोल्टेज है, ये हमसे पूछा है। तो ये 30 वोल्ट की बैटरी मैंने लगा दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट है जो हमेशा पॉजिटिव से भागेगा, और ये एमीटर का पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो भागा करंट आपका, भागा 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 रे यहाँ तक आ गया। तो ये हो गया मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया रे। तो अभी जो सवाल मुझसे पूछा, चलिए उसको हम करेंगे। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। अब ये सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है। सो वी इज इक्वल टू आर आई एंड आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 30 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, ये सीरीज है और सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, 10 5 15 और ये 15 30। इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर डाला, तो लाइफ झिंगा लाला, तो मेरा करंट आ गया 1 एम्पियर का। तो इसका मतलब ये पूरे सर्किट में सिर्फ 1 एम्पियर का करंट ही भागेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही पाथ होता है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पियर का करंट ही इसमें भागेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा है, हमें ये दो एंड के बीच में, ये दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पूछा है। तो सीरीज में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है, ये हमें याद रखना होगा। तो ये दो एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब इसको हम निकालेंगे, तो कैसे, सो बी इज इक्वल टू आर आई, यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट का, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम का, तो मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। और करंट सर्किट में कितना भागेगा करंट, 1 एम्पियर का, सो 10 इंटू 1 हो गया, और मल्टीप्लाई किया तो 10 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 10 वोल्ट का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, वापस आ जाते हैं। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे आपसे पूछा है व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड ए बार मैग्नेट। जब भी कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है और एक बार मैग्नेट का डायरेक्शन पूछा है, उसके साथ साथ डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन द टू फील्ड्स। दोनों जो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दोनों में क्या अंतर है, ये हमसे पूछा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, चलिए इसको हम करते हैं। तो सोलेनॉइड क्या है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 33 हो गया, मजाक मजाक में पता नहीं चला। तो सोलेनॉइड क्या है, एन एम्प्टी
सिलेंडर रैप्ड विथ कॉपर वायर। कोई एम्प्टी सिलेंडर होता है जिसके ऊपर हम कॉपर वायर को रैप करते हैं, लपेटते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक सिलेंडर, एम्प्टी सिलेंडर है, ठीक है, और ये कॉपर वायर मेरा इसके पीछे की तरफ गया और यहाँ ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे, फिर नीचू, फिर से नीचू और नीचे और नीचे, और फिर यहाँ आया, यहाँ पे बैटरी लग गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। करंट भागा, पीछे से भागा, ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया। तो आप यहाँ अगर ये साइड से देखोगे तो करंट क्या कर रहा है, पीछे से होकर ऊपर, पीछे से होकर आगे से निकल रहा है। अगर ये डायरेक्शन में हम देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन कैसे, ऐसे पीछे से गया और आगे से आया, पीछे से गया और आगे से आया। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो जहाँ पर जो साइड में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है वो साउथ पोल होता है और यहाँ से नॉर्थ पोल हो जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलेगा, साउथ पे एंटर होगा, हमेशा नॉर्थ से निकलेगा, साउथ पे एंटर होगा हमेशा। तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड, ठीक है। अब बार मैग्नेट करेंगे, बार मैग्नेट भी हमसे पूछा है तो बार मैग्नेट को भी अभी हम कर लेते हैं। तो ये एक बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलेगा, साउथ पे एंटर करेगा, नॉर्थ से निकला और साउथ में एंटर किया, ठीक है। तो ये हो गया बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब दोनों के केस में हमें पूछा था सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस पूछा था। तो देखो, जो सोलेनॉइड होता है इसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ होती है इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वी कैन नॉट चेंज, क्योंकि इसमें फिक्स होता है। यहाँ पे करंट हम बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा पोलैरिटी चेंज्ड, अगर करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे तो पोलैरिटी नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर करंट का डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल। यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन हम उल्टा कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज कर देंगे तो ये साउथ पोल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी, पोलैरिटी फिक्स्ड, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल ही रहता है और साउथ पोल ही रहता है, ठीक है। चलिए फिर ये क्वेश्चन सेक्शन डी हमने ख़त्म कर लिया, तो उसके बाद हम सेक्शन डी करेंगे। तो पढ़ाई जारी रखिए और कीप लर्निंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं।